ओके, साइकिक रेडिएटरी फील्ड क्या होता है? इसको ध्यान से प्लीज समझना। रेडिएटरी फील्ड क्या होता है? अच्छा, एक नॉर्मल सा लेक है, बिल्कुल लेक शांत होता है, बीच में टाइड होता है ना? जब नॉर्मल सा लेक होता है, उसमें जब आप पत्थर फेंकते हो, तो उसमें जो रिपल रिपल इफेक्ट बोलते हैं ना उसको, पानी का बार 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 ऐसे गोल 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 आना, तो आपका जो ऑरा है, ठीक है, अब जैसे दीपिका को उस दिन रात को डर लगा, तो क्या आया उसका ऑरा, क्या हुआ? रिपल इफेक्ट, क्योंकि फियर आया, ठीक है, जो सबको आ सकता है, हमको भी डर लगता है रात में। मेरे पति अभी 15 दिन लद्दाख बाइक में घूम के आए थे, मुझे भी डर लग रहा था। तो क्या होगा उस डर में? रिपल इफेक्ट, ज्यादा डरोगे ज्यादा इफेक्ट। हम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सारा इमोशन सबके पास है, चाहे आप उधर हो चाहे आप इधर हैं, ठीक है, सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद ऐसे ही क्या हुआ, ये आपका आपका इमोशन है, ये मैं दूसरों का अभी जो ब्लैक मैजिक है वो नहीं बोल रही। ये पत्थर आपने अपने ऊपर फेंका है, ये फियर आया है, आपका अपना क्रिएटेड फियर है ये, कि रात हुआ तो भूत आएगा तो मुझे डर लगेगा, ठीक है, वो पैटर्न है दिमाग का, जो हमें टीवी देख के बताया गया है, हमारे माँ बाप ने बताया है, हमारे समाज ने बताया है कि रात को ही भूत आते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो फिक्स हो गया, तो रात होते ही हमें डर लगता है। अब ये डर करता क्या, मैं ये समझा रही हूं कि रेडिएटरी फील्ड क्या होती है, ठीक है, वॉट एवर रेडिएट्स फ्रॉम योर ऑरा, चाहे वो फियर हो, दैट रेडिएट्स फ्रॉम योर ऑरा, दैट इज योर फील्ड। जो इमोशन आप रेडिएट करते हो जिस टाइम में, वो आपको भी इफेक्ट करता है, दूसरों को भी इफेक्ट करता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा पॉजिटिव वे में पढ़ते हैं। मेडिटेशन कर रहा है कोई, ठीक है, जब कोई बिल्कुल बढ़िया मेडिटेशन करता है ना, कभी उसके कमरे में जाके देखना, हमारे मेरे घर पे आते हैं, बाहर से ही लोग बोल देते इतना पॉजिटिविटी है, मैं मतलब प्रशंसा नहीं कर रही, बट देन ऐसा होना चाहिए आपका फील्ड, वो बोल रही हूँ, ठीक है। जब कोई ढंग से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी छोड़ो, कोई ह्यूमन बीइंग जब कोई नॉर्मल सेवा करता है, अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है किसी के लाइफ में, बेशक वो कोई पूजा करे ना करे वो अलग बात है, तो उसका क्या होता है ऑरा, फील्ड बोल रही हूँ, रेडिएशन उसका कैसे होता है, जब आप उसके पास जाते हो तो वो ऑरा का फील्ड आपके पास आता है। अच्छे तो अच्छा इंसान है, एक महसूस जो होती है ना उसको बोलते हैं रेडिएटरी फील्ड, ठीक है। अब ये जो रेडिएटरी फील्ड है, इससे हम कैसे काम कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। ये इतनी चीज समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है? आज नीना जी आई नहीं, अच्छा आई है, कोई डाउट है अभी तक? अब इस रेडिएटरी फील्ड में पहले कंटामिनेशन की बात करती हूँ, कैसे कंटामिनेशन हो सकता है। मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं तो बोलते हैं कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्पेशली जब कुंडलिनी अवेकनिंग ज्यादा करते हैं तो अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, राइट? क्यों? क्योंकि आपका जो चक्रा है वो वैसे ही प्यूरिफिकेशन मोड पे चलता है, जब आप ये सब करते हो तो वो क्या है, फिर काम उसको दुगना करना पड़ेगा, हमें फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं हम कब तक जाके कहाँ पहुंचेंगे, फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ, एक सेकेंड प्रियंका जी, क्लास ले रही हो, मैं आपको कॉल बैक करूं क्या?
ओके ठीक, थैंक यू। सो जब हम ये काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, इवन झूठ बोलना। अच्छा आप स्कैन करके देख सकते हो, हाँ जब आप एक्चुअल में झूठ बोलते हो आपका ऑरा में नो एनर्जी, ऑरा चक्र अनफॉर्चुनेटली झूठ नहीं बोलते हैं, आप स्कैन करके देख सकते हो क्योंकि स्कैनिंग सिखा दी मैंने सबको। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो आप प्लीज स्कैन करके देख लो आपका स्पिरिचुअलिटी कहाँ जा रहा है। जो जो स्पिरिचुअलिटी पाना चाहता है उन लोगों को बोल दो, ठीक है। सो साइकिक कंटामिनेशन इसको बोलते हैं, ओके। थियोरी है, प्लीज लिख लेना अपने भाषा में, क्योंकि ये थियोरी मैं नहीं लिख सकती, आपको अपने भाषा में लिखना होगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बात किया आज, साइकिक रेडिएटरी फील्ड के बारे में बात किया, जिसपे मैंने बोल सा होगा, जेलसी होगा तो कैसा होगा, कोई भी नेगेटिव इमोशन होगा। तो जैसे जब आप किसी के घर जाते हो आपको नहीं पसंद है वो बंदा, तो आप घुसते कैसे घुसते हो, पहले मुंह सड़ा के ही घुसते हो। कोई इतना महान नहीं है, सॉरी, हम लोग कि हम अपने आप को बड़ा ही अच्छा वो ये करके हम एक्ट करके चले तो जाते हैं, बट हमारा रेडिएटरी फील्ड विल नॉट लाई उसमें, उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, करेक्ट। और वही प्यार वाला रेडिएटरी फील्ड जिसके अंदर लव हो, हम इस रेडिएटरी फील्ड से हीलिंग करना सीखेंगे आज, इसीलिए मैं बार बार यही पढ़ा रही हूँ, ओके। इससे जब प्यार वाला फीलिंग आता है तो ये जो गुस्से में होता है उसको भी ये सॉफ्ट बना देता है। इतनी शक्ति होनी चाहिए रेडिएटरी फील्ड में आपके अंदर, अगर आपको एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी करनी है तो, ठीक है। हाउ, व्हेन यू मेडिटेट आपके ऑरा में वही रिपल होता है जो आपने मेडिटेशन किया, ठीक है। उस टाइम में भी यू कैन यूटिलाइज द एंटायर एनर्जी बाय ब्लेसिंग अदर्स। ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है जो दुश्मन को भी कॉल करने पे मजबूर कर देता है। हम देखा है ये अपने लाइफ में, हाँ, जो हमसे रूठ के चला गया वो अगले दिन कॉल करता है। दिस हैपेंड विद माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। व्हेन यू आफ्टर मेडिटेशन और आफ्टर कुछ नहीं तो अपना ओम चैंटिंग कर लो, मैं मेडिटेशन नहीं करती, आई एग्री, बट कोई ना कोई कुछ ना कुछ साधना कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करता ही है जहां तक मैं जानती हूँ। आफ्टर दैट यू जस्ट ब्लेस, कुछ नहीं तो अपना क्राउन और अपने हार्ट में पिंक कलर से भर लो, 5 मिनट भी नहीं लगता है। दिस इज अ वेरी छोटू मेडिटेशन, चैंट ओम 3 टाइम्स, अभी मैं कराऊंगी आप लोगों को, एंड जस्ट फिल योर क्राउन एंड योर हार्ट विथ पिंक एनर्जी, देन यू ब्लेस एंड देन यू गिव मी द फीडबैक कि आपने कितने लोगों का लाइफ बदला है, ठीक है। नॉट नेसेसरी जितने लोग गुस्सा है हमसे उन्हीं की लाइफ बदलनी है, बिकॉज दे आर टफ पीपल फॉर अस, है ना, वो थोड़े डिफिकल्ट होमवर्क वाले बच्चे हैं हमारे लिए, बट अदरवाइज ऑल्सो यू कैन ब्लेस एवरीबडी। मेरे को भी ब्लेसिंग दे दे प्लीज, ओके। तो मुझे आज पढ़ाना है आपका साइकिक रेडिएटरी फील्ड का भी हीलिंग कराऊंगी और इसका हीलिंग कराऊंगी, ओके। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, रिपल्शन वाला टेक्निक से ही हम अभी लोगों को कैसे हील करना मैं बताऊंगी। रिपल्शन समझ में आ गया सबको, जो आपके ऑरा में होता है उसका रिपल इफेक्ट होता है दूसरों के लिए। जैसे मैं अगर गुस्सा हूं तो मेरे बच्चे बोल देंगे, क्यों, क्या हो गया तुम्हें, इतनी क्यों सैड हो रही हो, टोन ऐसे ही आता है उनका, टायर्ड हो गई बैठ जाओ, ठीक है। दे कैन सेंस योर ऑरा,
फेस रिएक्शन तो छोड़ दो, दे कैन सेंस योर ऑरा, ठीक है, दैट इज द रिपल इफेक्ट ऑफ योर ऑरा। अच्छा, किसी को किसी के नेचर के बारे में अगर जानना हो तो कैसे जानोगे? एनी आइडिया? आई वॉन्ट यू टू आंसर। कोई इंसान कैसा है वो कैसे बताएगा तुम? मैम ओरा से पकड़ सकते हैं उसको, ओरा कैसे है? इतना दूर चले गए आप, पेस पे कैसे? इसके लिए ऑरा रीडिंग क्लास करनी पड़ेगी पहले। पेस पे कैसे? अच्छा ठीक है, फेस। फिर बहुत पुराना प्रोवर्ब है, उसके दोस्त लोग कैसे हैं उस हिसाब से वो बंदा कैसा है पता लग जाता है ना? आपके फ्रेंड्स कैसे हैं उससे पता लग जाता है कि आप कैसे इंसान, राइट? दारू वालों का तो दारू ही फ्रेंड होगा, ऐसे वेरिएशंस। अब जैसे हम लोगों का तो स्पिरिचुअलिटी के अलावा और कोई फ्रेंड नहीं होता है, वही फुल स्टॉप।